स्वागत है। और उससे पहले मैं स्वागत करती हूँ आज हमारे यहाँ बैठे जो मुख्य अतिथि लोग हैं, ये हमारे साथ हैं जो कि इस यूथ पार्लियामेंट का निरीक्षण करेंगे, मैडम सुनीता, मैडम हरप्रीत, अनिल सर, हमारी अध्यक्षा मैडम देविंदर कौर, और ये जो कार्यक्रम है ये कंडक्ट करवाया जा रहा है वेलबींग हाउस की तरफ से। तो वेलबींग हाउस की कन्वीनर हैं मैडम सुनीता, और उसके साथ है मैम सुमित, और साथ में है दीपक सर बैठे हैं, विभिन्न स्कूलों के टीचर्स, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। तो इसके साथ सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ गुरप्रीत क्लास 9 जो कि आपके समक्ष नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर अपने विचार व्यक्त कर रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। माय नेम इज गुरप्रीत कौर, आई एम टेलिंग अबाउट NEP 2020। द ऑब्जेक्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज टू मेक इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। सेकेंड पॉइंट, न्यू NEP 2020 एडिट 3 ईयर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में ये बच्चे MP की भूमिका निभाते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं जोरदार तालियों से। गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड, मैं आपके सामने नई शिक्षा नीति 2020 पे कुछ बताना चाहती हूँ। नई शिक्षा नीति को निम्नलिखित स्टेज चरण में बांटा गया है जो कुछ इस प्रकार है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 10+2 की जगह अब नई पाठ्यक्रम संरचना 5+3+3+4 के रूप में होगी। फाउंडेशन स्टेज 5 साल का होगा जिसमें शुरुआती 3 साल बच्चे की आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग होगी, यानी प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। उसके बाद अगले 2 साल तक कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे की सामर्थ किया गया है। प्रीपटी स्टेज 3 साल का होगा जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई हो। धन्यवाद। 3+3+4 फाउंडेशन स्टेज फॉर फर्स्ट 3 ईयर चिल्ड्रन विल टेक प्री स्कूलिंग एजुकेशन इन आंगनबाड़ी। आफ्टर स्टेज द चिल्ड्रन विल बी क्लासेस 1st to 2nd इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। दे विल बी टॉप साइंस मैथमेटिक्स। हमारी जो नेक्स्ट स्पीकर हिंदी में अपने विचार व्यक्त कर रही हैं वो हैं 9th क्लास की अंकिता। तो अंकिता के लिए जोरदार तालियां। शिक्षा नीति सिर्फ डिग्री लेने वाली शिक्षा नहीं होगी बल्कि नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों में समानक सोच का टिके नवीचार और रोजगार शिक्षा पर भी बल लिया जाएगा। आज का जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन यूथ पार्लियामेंट था वो कंक्लूड होता है, और इस यूथ पार्लियामेंट का टॉपिक था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको ऑर्गेनाइज किया था वेलबींग हाउस ने। और अब मैं इनवाइट करती हूँ मैडम हरप्रीत को कि वो स्टेज पर आए और बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा दिखाई है उसके बारे में और इस पॉलिसी के बारे में अपने विचार रखे। बच्चे, आप लोगों को ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कल भी बलजीत मैम ने आपको यहाँ पे बताया था और आज भी यहाँ पे उसकी प्रॉपरली डिस्कशन हुई है, ठीक है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं इट इज़ नॉट जस्ट एन एक्टिविटी, ये सिर्फ हम एक्टिविटी करने के लिए नहीं ये चीज़ें बताते, आपको इसलिए बताते हैं कि जो लेटेस्ट भी हमारे एजुकेशन में या अदरवाइज भी हमारी सोसाइटी में चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सिर्फ स्कूल में 5 सब्जेक्ट पढ़ के घर में जाकर हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड एजुकेशन करते हैं, बाकी चीज़ों में हम ध्यान नहीं देते ज़्यादा। सो दिस टाइम द गवर्नमेंट हैज़ मेड एन एजुकेशन पॉलिसी सच जिसमें बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। व्हाट इज़ ऑलराउंड डेवलपमेंट, कल भी आपको बताया था इमोशनल डेवलपमेंट वेरी गुड और इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, जिसमें ऑलराउंड हर डेवलपमेंट आपकी जो है आपकी उसको डेवलप करने